जमशेदपुर में अपराधियों ने बकरी व्यापारी पर फायरिंग कर 1,70,000 रुपए लूट लिए। घटना में व्यवसायी बाल बाल बच गया। घटना कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर उड़ीसा मुख्य मार्ग पर रसून चोपा के पास की है। बताया जा रहा है कि उड़ीसा के रायनगरपुर से दो बकरी व्यापारी हल्दी पोखर बकरी बाजार में आ रहे थे, तभी टाटा पिकअप वैन में सवार 8 अपराधियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बाद जब वे नहीं रुके तो अपराधियों ने फायरिंग कर रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बकरी व्यवसायी के साथ कुछ रुपये की छिनतई की बात सामने आई है। हम लोग इस में बयान लेकर उनका आवेदन लेकर काम दर्ज करते हुए अनुसंधान कर रहे हैं। आगे जब भी अनुसंधान में आएगा तब तक हम बात करेंगे। कितना कितना छिनते हुआ है अभी स्पष्ट नहीं है। नालंदा में दहेज की खातिर कलयुगी पति पर अपनी ही पत्नी की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगा है, जिसके बाद वह फरार भी हो गया है। घटना बिंद थाना क्षेत्र के बताई जा रही है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि 3 साल पहले आरोपी बबलू के साथ मृतका की शादी हुई थी, जिसके बाद सही लगातार ससुराल पक्ष की ओर से दहेज के लिए आशा को प्रताड़ित किया जाता था। परिजनों ने इस मामले में ससुराल वालों पर हत्या का आरोप दर्ज करा दिया है। तो दहेज के समय में गाड़ी तय नहीं था सर, तो उस दरमियान में गाड़ी भी दे दिया गया। उसके बाद भी वही घर में डेली मार पीट गाली गलौज करते थे कि इतना इतना रुपया दो। रुपया बेचारा दे नहीं पा सके, उसी के चलते रुपया के चलते जान मार। और अब एक खबर जो काफी फिल्मी है। जी हाँ, सुपौल के नरबली में पानी टंकी पर पूरी रात हाई वोल्टेज ड्रामा करने वाले युवक आखिरकार मान ही गया और अब उसे नीचे उतारकर पुलिस थाने ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। युवक का नाम प्रकाश है, जो अपनी प्रेमिका से शादी नहीं होने पर पूरी रात पानी टंकी पर चढ़कर ड्रामा करता रहा। प्रशासन के समझाने के बावजूद भी जब वो नहीं माना तो उसकी फुआ के कहने पर वो नीचे आए और 12 घंटे से जारी हाई वोल्टेज ड्रामा तब जाकर खत्म हुआ। चढ़े थे ऊपर, चढ़े हुए थे रीना से हम शादी करने के लिए। किससे शादी करनी है? रीना कुमारी से। क्या मामला क्या है? मामला यह है कि मेरा गार्जियन दोनों आदमी को अलग करवा दिया था, उसका गार्जियन हम दोनों को शादी भी करवाया हुआ। तो पानी टंकी पे चढ़ने से शादी हो जाएगी? पुलिस प्रशासन अगर चाहेगी तो। ये प्रशांत कुमार नाम का लड़का है जो पानी टंकी के ऊपर जो सीढ़ी के माध्यम से चढ़ गया था, तो जिसे समझा बुझा करके उतारा गया है और इससे पूछताछ किया जा रहा है। ऐसे काहे से किया था इनके द्वारा।